हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। वो भी हम आज मावा वाले गुजिया बना के तैयार करेंगे जो होली में बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं मावा की गुजिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने गुजिया बनाने के लिए ले लिए हैं एक बड़े से बर्तन। उसमें डाल देंगे 2 कप मैदा। तो आप यहाँ पर आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मैदा ले लिए हैं। उसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच घी। तो यहाँ पे आप घी ज़रूर डालें, नहीं तो आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो चम्मच में घी एक्स्ट्रा लगी थी उसको भी हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद बिना पानी डाले ही पहले घी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से बांध के देखेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी से बंध गई है। उसके बाद हमने थोड़े थोड़े करके पानी डाल कर इसका डो लगा लेंगे। इसको ना ही हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, ना ही टाइट डो लगाएंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से हम डो लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको ढक के रेस्ट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गई है। उसके बाद हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है आटा। तो लगभग इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिए हैं। और उसके बाद इसकी हम छोटी छोटी लोई काटेंगे, जैसे नींबू रहता है ना, बस उस शेप में इसको हम लोई काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे लोई हमने काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारे लोई हमने काट के तैयार कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम जैसे पेड़ा बनाते हैं ना, उस तरीके का इस तरीके से शेप देंगे। तो उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी जैसे कचौड़ी बनाते हैं उस तरीके से इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं मावा। तो यहाँ पे देखिए एक बाउल हम मावा लिए हैं। लगभग यहाँ पे 250 ग्राम मावा है। तो उसको इस तरीके से बुरादे फॉर्म में हम कर दिए हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में यहाँ पे हम ले लिए हैं काजू और किशमिश, काट लिए हैं उसको। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसकी हम अब बेलेंगे। अब हम मावा को रख दिए हैं साइड में। एक प्लेट में ले लिए हैं 1 चम्मच के करीब मैदा। तो इसको हम सूखे आटा लगा के उसके बाद बेलेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं चकला बेलन। उसके बाद एक एक पेड़ा लेके हम सूखी मैदा लगा के उसके बाद इसको हम बेलेंगे। तो जैसे नॉर्मल साइज़ की कचौड़ी हम बेलते हैं उस शेप में इसको हम बेल लेंगे। ना ही ज़्यादा पतली, ना ही ज़्यादा मोटी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैदा लगा के, तो उसके बाद बेलेंगे जिससे चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से बेल लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने रोटी बेल के इसको रख देंगे थाली में। तो आप चाहे तो एक बेल लीजिए, उसके बाद इसको भर के उसके बाद दूसरा बेलिए। तो इस तरीके से पहले हम 3-4 बेल लेंगे, उसके बाद इसको हम भरेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 बेल लिए हैं। उसके बाद एक कटोरा में हम ले लिए हैं पानी। तो अब उसको हम हाथ पे ले लिए हैं। उसके बाद 1 बड़े चम्मच इसमें डाल दिए हैं मावा। मावा डाल के इसको चारों साइड से किनारे से इस तरीके से पानी लगा देंगे, जिससे इसको हम जब चिपकाएंगे तो अच्छे से चिपका रहे, खुले नहीं जब फ्राई करेंगे उस टाइम। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे चारों साइड से घुमा के। उसके बाद इसको हम मोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको हम मोड़ लेंगे हाथ से ही। तो आप चाहे तो एक सच्चा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने हाथ से ही पहले वाले बनाए हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आपको जिस शेप में पसंद है उस शेप में आप ये गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बना लिए हैं। उसके बाद आपको हम दूसरी बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 गुजिया बना के तैयार कर लिए हैं। अब तीसरा बनाते हैं। तो ये हम दूसरे डिजाइन के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 बड़े चम्मच हमने फिर से मावा ले लिए हैं और चारों साइड से इसमें हम पानी लगा देते हैं। उसके बाद ऊपर से भी हम एक जो हम बेल के रखे हैं ये कचौड़ी शेप में, उसको हम डाल देंगे। तो इस तरीके से डाल के उसके बाद इसको हम चारों साइड से इसको चिपका देंगे। इस तरीके से चिपकाने के बाद इसको हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से चिपका दिए हैं। उसके बाद अब इसको हम चारों साइड से घुमा के डिजाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से भी गुजिया बनती है। तो शेप आप अपने अनुसार रखें, जिस तरीके के आप बनाना चाहते हैं। तो आप इसे लंबे शेप में भी बना सकते हैं, नहीं तो गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के हो गई है तैयार। तो आप इस तरीके से भी गुजिया बना सकते हैं, नहीं तो आप ये गुजिया बनाने वाला सच्चा भी ले सकते हैं। उसमें सूखे मैदा लगा के उसके बाद
जो हम बेल के रखे हैं उसको उस पर रख देंगे। उसके बाद एक चम्मच हम फिर से इसमें मावा भर देंगे और इसमें हम पानी नहीं लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से चिपका देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। उसके बाद जो बाहर एक्स्ट्रा निकली है आटा, उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से काट दिए हैं और उसके बाद इसको हम खोलेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगी। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने पसंद के अनुसार रखें जैसा आप बनाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से सारे गुजिया हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गुजिया फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड तेल। तो आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल लिए हैं। अब इसको गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये गर्म हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे गुजिया। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम ही गर्म करें, ज़्यादा हाई गर्म नहीं करें। तो यहाँ पे मीडियम टू लो पे इसको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से देखिए एक एक करके हमने डाल दिए हैं। नीचे से हल्की सी फ्राई हो गई है, अब इसको पलट देते हैं और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक बार पलटने के बाद इसको हम फ्लेम को मीडियम कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और उसके बाद हम बना लेंगे चाशनी। तो यहाँ पे पहले इसी तरीके से सारे गुजिया को आप फ्राई कर लीजिए, उसके बाद चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। उसमें डाल दिए हैं 1.5 कप, यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी कोई भी मेजरमेंट कप से या कटोरा से नाप के लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने 1.5 कटोरा डाल दिए हैं चीनी। उसके बाद 1 कटोरा इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर अब इस चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम रखे हैं, मीडियम फ्लेम पर ही चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मिक्स करने के बाद हल्की सी चीनी जब मेल्ट हो जाएगी उसके बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हल्की सी मेल्ट हो गई है चीनी, अब फ्लेम को हाई कर दिए हैं। हाई फ्लेम पे लगभग इसको 3 मिनट तक पकाए हैं। उसके बाद इसमें अब डाल देंगे इलायची। तो कुछ फ्लेवर के लिए यहाँ पर ज़रूर आप डालें। तो यहाँ पर देखिए 2 हम हरी इलायची ले लिए हैं, उसको बीच से तोड़ के डाल दिए हैं। डालने के बाद इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग चाशनी बनके हो गई है तैयार। इसको देखिए हल्का सा चिपचिपा बनाना है चाशनी, कोई तार नहीं बनानी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चाशनी बनके हो गई है तैयार। तो अब इससे ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाएँगे। तो अब यहाँ पर देखिए तो हल्का सा चिपचिपी हम बनाए हैं, तो कोई तार नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं फ्लेम को बंद और उसके बाद अब गुजिया को डालेंगे चाशनी में। तो यहाँ पे देखिए सारे गुजिया हमने बना के तैयार कर लिए हैं। उसके बाद चलिए इसको हम चाशनी में डालते हैं। तो इस तरीके से भी आप गुजिया बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो उसको चाशनी में डालें, नहीं तो बिना चाशनी में डाले भी इसे खा सकते हैं, उसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए गुजिया को हम चाशनी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने ले लिए हैं चाशनी, अब इसमें डाल देंगे जितना एक बार में कढ़ाई में आएगा उतना हम इसमें गुजिया डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 4 पीस कढ़ाई में आया है एक बार में। तो लगभग इसको 1 मिनट तक इस तरीके से रहने देंगे। तो दोनों साइड से अगर डुबो के रखिएगा तो 2 मिनट तक ज़्यादा हो गया है, तो बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो इस तरीके से लगभग 2 मिनट के लिए हम इसमें छोड़ दिए हैं। उसके बाद इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी गुजिया बन के तैयार हुई है। तो इसी तरीके से सारे गुजिया को हम चाशनी में रख के लगभग 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे चाशनी में। डुबो के गुजिया को हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए दूसरा भी हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इसको लगभग 2 मिनट तक इसको रखेंगे चाशनी में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छा से चाशनी में इसको डुबो के रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप गुजिया बनाइए, होली में बहुत ही टेस्टी लगती है गुजिया खाने में। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप सूजी का भी गुजिया बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मावा का गुजिया बनाए हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से आप सूजी का गुजिया बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है वो भी गुजिया। तो इस तरीके से आप होली स्पेशल गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।